गाइस, हाय एवरीबॉडी, एवरीवन हू इज हियर. सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए. बहुत स्पेशल दिन है शोए पर. मैं बहुत नर्वस है, इसलिए नर्वस है तुम्हारे लोग तो आए हैं, मुझे अकेला भेज दिया है. सबसे बड़ा रीज़न ये दिन प्लान करने का ये था कि आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता एज एन एक्टर स्टार्ट हुआ था, बहुत पुराना है, और आज जब ये एक नया स्टेप ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था. एंड ट्रस्ट मी, हम लोग बहुत दिल से दुआ कर रहे थे कि ये लॉकडाउन हट जाए तो हम ये कर पाए. सो शुरुआत करते हैं. आएंगे आप अब? शुरुआत करते हैं. हमने सोचा है कि आप लोगों के लिए स्पेशली, ये सॉन्ग कल रिलीज़ होने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए एक प्रॉपर सॉन्ग हम प्रीव्यू करेंगे जो आप देखेंगे, और उसके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो ये करेंगे. नहीं, उससे सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमेशा हम लोग के साथ रहे हैं, और अभी से नहीं, शुरू से, जब से हमारी मुलाकात हुई है 2010 में मैं आया था, इसने भी जर्नी शुरू की थी, यहाँ तक 12 साल की जर्नी है कि आज हम ये आप सबके सामने लेके पहुँचे हैं. तो बहुत शुक्रिया आप सबका, और जो हमें देख रहे हैं हमारे ऑडियंस का, हमारी फैमिली का, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि दीपिका ने बोला कि सॉन्ग प्रीव्यू होगा आप सबके लिए, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कैमरा ऑफ कर दीजिएगा. क्योंकि वो झलक कल ही दिखनी चाहिए. लेकिन हम दोनों पर्सनली आप सबको एक स्पेशल प्रीव्यू करके दिखाना चाहते थे, क्योंकि आप सब हमारे साथी हैं शुरू से. तो एक स्पेशल स्क्रीनिंग आप सबके लिए रखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सरप्राइज आप सबके लिए, इवन ऑडियंस के लिए, उनको भी नहीं पता है कि वो क्या सरप्राइज है, तो वो आप सबके सामने पहले हम रिवील करना चाहेंगे. यस यस, डेफिनेटली. सो आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत की है, बट आई थिंक ये दिस विल बी द मोस्ट स्पेशल ऑब्वियसली, एंड द मोस्ट कैंडिड वन. हमने कोई प्लानिंग नहीं किया है कि आप लोगों के साथ क्या बातें करेंगे. हम लोग रात भर सोचे थे क्या बातें करेंगे, तो आप लोगों के साथ, इन सब चेहरों के साथ बात करने के लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए we've just picked up the mic and we've started. हमने कहा नहीं, हमें वो formal नहीं करना है, हम जैसे हैं वैसे आप सबके सामने आएंगे. अपना दिल का कनेक्शन है हमारा आपका, तो वही उसको हम मेंटेन करेंगे. तो जैसा कि पहला है, हमेशा बोलता हूँ मैं, पहली चीज़ हमेशा खास होती है, और इस पहली चीज़ को हमने और स्पेशल बनाने की कोशिश की है, बहुत खास बनाने की कोशिश की है, कुछ एक स्पेशल टच देके. वो क्या है वो अभी आपको दिखाते हैं. चलिए. सो बिफोर दिस सॉन्ग गोज लाइव टुमारो, उससे पहले ये लास्ट पोस्टर, लास्ट झलक है हमारे सॉन्ग की, जिसमें सॉन्ग के बारे में एक स्पेशल चीज जो है वो छुपी हुई है. सो करें, बिल्कुल रेडी रेडी, चलिए. हमारे व्यूअर्स, हमारे चाहने वाले, हर किसी के लिए बहुत स्पेशल हो जाए, तो इसीलिए वो चीज़ जो हम लोगों के दिल के बहुत करीब है, उसे हमने इस सॉन्ग का एक हिस्सा बना लिया. हमारे कबूल है मोमेंट को इस सॉन्ग का एक हिस्सा बना लिया, और हमारे निकाह के आउटफिट को. यस, आप सबको तो पता होगा कि ये जो हमारे आउटफिट है, हमारे एक्चुअल निकाह के आउटफिट है, जो हमने जब 4 साल पहले हम मेरा स्टेटस चेंज हो गया था, मेरा स्टेटस चेंज हो गया था वो हुआ था, तो हमने एक ये टच देने की कोशिश की है, और बस आप सबके सामने है ये. तो अभी प्रीव्यू करें सॉन्ग को. कैमरा 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 प्लीज प्लीज कैमरा ऑफ, प्लीज कैमरा ऑफ. हाँ ओके ओके. Thank you.
जेन्युइन फीडबैक है, कैसा लगा आप सबको? पक्का? चलो तो अच्छा लगा सुन के। एक्चुअली बहुत नर्वस थे यार, हम दोनों बहुत नर्वस थे, और बहुत ज़्यादा नर्वस थे आज। जैसे कि एक टीम, एक कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ अकेले एक इंसान से या दो इंसान से नहीं बनता, उसके पीछे पूरी टीम होती है। तो मैं आप सबको अपनी टीम से मिलवाना चाहूँगा, जो इस खूबसूरत रब ने मिलाई धड़कन के पीछे, जिनका जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं। तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर साहब के सामने खड़े हैं, डायरेक्टर भी हम ही हैं, एंड इसके बाद सबसे पहले जो इसमें आवाज़ है, जो इसके लिरिक्स हैं, जो इसको कंपोज किया है, जो सिंगर हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा, देवव्रत शर्मा। और जैसे जब हमने कल लॉन्च किया था, तो हमने कोशिश की थी कि हमने ये बात बोली भी थी कि हम कोशिश करेंगे कि जो नए लोग हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, हम उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। तो देव हैं देहरादून से, और इन्होंने आई थिंक रीजनल सॉन्ग्स गाए हुए हैं, बट ऐसा बॉलीवुड में इनका एक पहला गाना है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ काम करके ये गाना, बताओ सर चीज़। बहुत ही मज़ा आया, इतने जेनरस हैं कि कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। हमेशा डाउन टू अर्थ, और मेरे को हमेशा यही समझाया भी कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, हम्बल रहो, चीज़ों को लेके ज़्यादा परेशान मत होना, सब कुछ खुद तैयार किया, देखा आराम से। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मतलब ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी मेरे सामने, लेकिन अंकित ने मुझे बताया और मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैं आया, मैंने गाना रिकॉर्ड किया। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मेरा रहा गाने का, म्यूज़िक बहुत कमाल का हुआ, फिर मेरे को अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, और जितना मुझे लगा था उससे भी बहुत दुगना तिगना बहुत ही कमाल का हुआ है। और भैया ने डायरेक्ट भी किया है, पहला डायरेक्शनल वेंचर है, कमाल का डायरेक्शन किया है, ऐसा लग रहा है एकदम फिल्म चल रही है। तो मैं बहुत आभारी हूँ आपका इस सब प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान का जहाँ जो नसीब होता है, उसके नसीब में जो लिखा होता है उसे मिलता है, और बस मैं यही दुआ करता हूँ कि इस गाने के बाद तुम इतना ऊपर जाओ कि तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए अभी नेक्स्ट, देव कम ना यहीं पर। अभी नेक्स्ट मैं इन्वाइट करूँगा, जो जब एक गाना बनता है तो वो सिर्फ पेपर पर होता है, यू नो कंपोज तो किया, लेकिन उसके बाद सबसे उसका इंपॉर्टेंट होता है कि यार इसमें म्यूज़िक क्या होगा, क्योंकि म्यूज़िक जो आप इस गाने का सुन रहे हैं बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगा। तो इस गाने को जो म्यूज़िक दिया है जिन्होंने, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा, अशरफ भाई एंड कम और उनकी वाइफ ममता शमना। प्लीज़ आइए जल्दी। तो ये अरे आइए प्लीज़, कोई नहीं। तो ये हैं अशरफ भाई, जो म्यूज़िक में बैड एश है वो, तो इन्होंने इस गाने का म्यूज़िक दिया है। जी भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या कहना, जब दिल से आप जुड़ते हैं किसी चीज़ के साथ तो एंड रिजल्ट ऐसे ही होता है, क्योंकि इन दोनों से हम जुड़े हुए काफ़ी दिन हो गए, मतलब यार दुआ के वक्त जुड़े थे, और तब से अब तक फैमिली जैसे ही हैं। भाई ने कहा कि गाना बनाना है, एंड आई हार्डली टॉक, दिस द फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग कैमरा एंड आई एम टॉकिंग टू पीपल, सो माई वाइफ, ब्यूटिफुल वाइफ, शी इज़ द। नमस्कार एवरीवन, वेलकम, एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं जब देख रही थी मेरी आंखों में पानी आ रहा था, आपका वो जो वेडिंग सीन था, आई कुड फील दैट फीलिंग। मुझे लग रहा था कि मैं आपके जो नेटिव प्लेस है मधोआ मौदाहा में हूँ, एंड ये हो रहा है, ये 4 साल पहले हूँ मैं, ऐसा लग रहा था, आई जस्ट फेल्ट इट। और आई थिंक जब हमने पहली बार सुना था, जब आप लोगों ने गाना पहली बार सुनाया था, तभी भी आई हैड द सेम फीलिंग, क्योंकि वो इतनी बढ़िया कॉम्पोजिशन और इतने बढ़िया लिरिक्स, मतलब वो जब धड़कन धड़कन वर्ड आता है तो मतलब नेक्स्ट लेवल लगता है वो। तो ही सेड कि इसको तो रूट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, गाना दिल वाला गाना है तो ये दिल तक पहुंचना चाहिए, जैसा आप हमेशा बोलते भी हैं, एंड कल्प का मीनिंग बाय द वे दिल है आई थिंक, राइट? सो यहाँ पे सब चीज़ दिल से है, आप देख सकते हैं जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सब दिल से हैं, प्रोडक्शन दिल से है, मूवी दिल से है, डायरेक्टर साहब खुद दिल से, बड़ा अच्छे से इतना ब्यूटीफुली उन्होंने पिक्चराइज किया है, तो हर चीज़ अपने आप बनती गई, अपने आप चलती गई, और ऐसे ही कारवां बनता गया, एंड आई थिंक दिस इज़
द एंड रिजल्ट और इसका आंसर आप लोग करेंगे कि ये कैसा है. सो आई कैन नॉट हेयर यू गाइज. आवाज़ तो कर दो यार बोलने पर भी. कम ऑन. ओके मैं समझ सकता हूँ. कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान इतना खो जाता रहा है क्या चीज बनाई है तो. हाँ आई थिंक वो हो गया. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू फॉर द प्रोडक्शन हाउस. एंड आपकी एनिवर्सरी है कल सो उसके लिए भी एडवांस में आज से ही. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. और अभी हमारे जो DOP सर हैं वो यहाँ पे हैं नहीं अभी नहीं पहुँचे हैं शायद वो आने वाले होंगे. तो उससे गाना तो बन गया डायरेक्ट भी हो गया शूट भी हो गया ऑडियो भी बन गया लेकिन इसको रिलीज कौन करेगा. ऑडियो पार्टनर वॉयले डीजी विनीत ये हैं. ये हमारे ऑडियो को ऑडियो प्लेटफॉर्म पे रिलीज करेंगे. तो भाई कैसा लगा आपको गाना. एक्चुअली विनीत से भी हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं. आपने हमारे गाने देखे होंगे जी तो जी टूटा तारा हमारे सर प्रोड्यूसर थे उसमें. तो क्या ये गाना कैसा लगा भाई बता. भाई गाना तो बहुत बढ़िया है. सो आई कम इन ऑन बोर्ड एज एन ऑडियो पार्टनर. मतलब एक बार गाना बन जाता है वीडियो बन जाता है. अब तक शोएब भाई और दीपिका के साथ हमने एज अ प्रोडक्शन हाउस काम किया है एज अ लेबल काम किया है. फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन ऑडियो पार्टनर काम कर रहा है. इनका खुद का लेबल है और इतना अच्छा गाना बनाया है. प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छे हुई क्या डायरेक्ट किया गाना. मतलब आई थिंक इससे ये म्यूजिक वीडियो इन्हें नहीं बना है इन्हें पूरी फिल्म बना दी है. और दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही है ना प्रेडी शोर के गाना सबको बहुत अच्छा लगेगा. आपको भी लगा ही होगा अभी. जब इतना अच्छा गाना हमें बन के आता है तो ऑब्वियसली हमें भी रिलीज करने में बहुत मजा आता है. सो रियली कांट वेट फॉर टुमारो एंड हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू विनीत. थैंक यू. अभी मैं इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे मनोज. एक्चुअली मैं हमेशा मेरी एक कोशिश रहती है कि हम तो स्क्रीन पर दिखते हैं पब्लिक को जो उसके पीछे जिनका काम होता है वो भी दिखना ज़रूरी है क्योंकि वो ज़्यादा लोग उनको नहीं देख पाते. तो ये हैं मनोज. ये आफ्टर प्ले स्टूडियो में एज एन एडिटर काम करते हैं और इन्होंने हमारा गाना एडिट किया है. राइट. हाय एवरीवन. जब अभी विनीत भाई ने बोला मैडम ने बोला सब काम दिल से हो रहा था तो शूट भी इतना अच्छा था कि काम करने में बहुत मज़ा आया. और आउटपुट ने आप तो देखा है ये सबने तो गाना तो मस्त मजा आया सबको मजा आया. गाना तो हिट है अपना कोई टेंशन नहीं. क्या बात है. और लास्ट में मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा स्टेज में शाहिन दीदी एंड तुषार जो हमारे बाल वाल बनाते हैं ना अच्छे से. एक्चुअली हमारे जो मेकअप में है जो केतन वो यहाँ पे है नहीं अभी वो शूट से बाहर हैं तो हमें खूबसूरत दिखाते हैं ये. और आप सबको तो पता है कि बाल के लिए मैं बड़ा मेकअप खराब हो जाए बाल खराब नहीं होना चाहिए. नहीं क्या तुषार. थैंक यू सो मच सर. ये बहुत घबराता है दीदी. मैं शोएब भाई और सिमर जी को ये कनेक्शन है क्योंकि मैं उनको दीपिका कभी नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरे लिए आज भी सिमर जी है. और सॉन्ग सच में बहुत अच्छा था और मुझे काम करके भी बहुत अच्छा लगा और ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है. थैंक यू. थैंक यू. अभी ये हमारी टीम थी पूरी लेकिन कई सारे और लोग जुड़े हुए हैं जैसे कि ये हमारे अरे अंकित हम भूल गए हैं. प्लीज 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 अंकित का ध्यान. ये हमारे एक्चुअली ये गाने का मेन अगर मैं क्रेडिट बोलूँ ना जब अंकित से मैं डिस्कस कर रहा था कि अंकित यार हमें एक गाना बनाना है प्रोड्यूस करना है तो ये गाना ये ढूंढ के लाया देव को ये ढूंढ के लाया और कैसे कैसे चीज़ें करके मुझे असिस्ट भी इसने किया है. और बहुत मेहनती लड़का है बहुत मेहनती लड़का है. और मैं बहुत सीरियसली मैं इसको देख के बहुत प्राउड फील करता हूँ और कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ इस उम्र में इस एज में इतना काम को लेके फोकस्ड होना डेडिकेटेड होना बहुत कम लोग में देखने मिलता है जैसे कि एक विनीत है मैं हमेशा इसको बोलता हूँ. तो यह अंकित ब्लैंक हूँ भाई मैं अभी सीरियसली मतलब देव का ये गाना मेरे पास पड़ा था 5-6 सालों से और भाई ने मेरे को बोला कि एक प्रोडक्शन हाउस हम चालू कर रहे हैं और पहला अपना प्रोजेक्ट रहेगा म्यूज़िक वीडियो. तो मेरे दिमाग में यही वाला गाना आया और मैंने भाई को सुनाया. तो भाई और भाभी ने सुना बोला ये ही करते हैं. और गाना सुनने के बाद इनका ये था कि ड्यून्स होने चाहिए फोर्ट होने चाहिए मतलब एकदम रॉयल मतलब पहले गाने में कुछ कमी नहीं छोड़ी. और एज अ प्रोड्यूसर मैं आपको बोलता हूँ कि इन्होंने कोई भी चीज़ की कमी किसी को नहीं रहने दी भले वो यूनिट हो कैमरामैन हो या कोई भी मरिए वेंडर्स हो. खाना भाभी ने
खाना जब बनता था यूनिट के लिए तो भाभी खुद टेस्ट करने मरी जाती थी स्पेशली शॉर्ट से पहले कि मैं पहले खाना चेक करूँगी, मतलब अपने से ज़्यादा इन्होंने यूनिट का मतलब ध्यान रखा है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक एज अ प्रोडक्शन हाउस, आपका पहला है और आप आगे बहुत कुछ करो मैं चाहता हूँ बस। और ऐसे ही जैसे कि ये बोल रहा है कि बहुत लेवी शूट किया है, तो अगर एक आप मैंने और ऐसे लेवी शूट कर दिए तो कल मैं एज़ अ डायरेक्टर मैं बैन हो जाऊँगा। सो ये थे हमारे यूनिट एंड फर्स्ट है, बस दो मिनट और लूँगी। पूरी कल्प फैमिली मैं यहाँ चाहती हूँ एक्चुअली, सॉरी मी बीइंग द क्राइंग क्वीन, इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस। सो सबा कम कम सबा, हमारी कल्प फैमिली जब तक स्टेज पे नहीं आएगी ये इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। सो सबा, आरती, निशी, अक्रम, अभिषेक, फिरोज भाई, धर्म दादा कहाँ हैं? धर्म दादा नहीं दिखाई दे रहे। हाँ आए 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 आ जाओ, चलो चलो। आरती निशी कहाँ है? नहीं 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 आजा आजा, कोई बात नहीं, आजा आजा। थैंक यू भावना, आई लव यू। सो किसी ना किसी तरह से हम सब जुड़े हैं, दिस इज आवर कल्प फैमिली एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। मैं इसके रिएक्शन जरूर जानना चाहूंगी। मुझे मत, सुबह से मैं भाई से बोल रही हूँ, अरे भाई क्या होता है, आएंगे सब लोग? मैं तो स्टेज पे चले जाऊंगी, मुझे कांप रहे हैं अभी इस वक्त। लेकिन मैं पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन आज इतनी बड़ी स्क्रीन पे सच में ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही है। और पता था अच्छा तो होना, क्योंकि मैंने देखा है भाई भाभी कितना ज़्यादा अपना एफर्ट डालते हैं, मतलब आप ऐसा लगता है कि जो गाना है बन गया होगा, चार मिनट में निकल गया होगा, लेकिन शायद सालों उन्होंने एक गाने में लगाए हैं। और उधर मुझे भी बहुत ही इमोशनल फील हो रहा है, लेकिन जितना ये लोग अपना एफर्ट डालते हैं तो वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, और उन्हें वो मिल भी रहा है बदले में। और आप सबका प्यार तो हमेशा से ही मिला है, तो आप लोग बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो नाउ वील ब्रेक फॉर वन ऑन वंस एंड साइमल्टेनियसली लंच भी लग चुका है, तो आप लोग प्लीज़ प्रोसीड विथ लंच। एंड मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, हर एक इंसान मुझसे मिले बिना यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। थैंक यू।